कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य है, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए। उपजिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य, क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन, कस्बा चौकी इंचार्ज मनेन्द्र सिंह, थाना कोसीकला के पुलिस और कोसीकला नगर पालिका के स्टाफ के साथ ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में जो व्यक्ति बिना मास्क के नजर आएगा उसका तुरंत चालान काटा जा रहा है, जिससे वह व्यक्ति आगे ऐसी गलती ना करे। यहाँ पे जो चालान काट रहे हैं उसकी थोड़ी जानकारी दे, किस संदर्भ में चालान काटे जा रहे हैं? बाहर जाना बाहर आ गया, तो लोगों का रोकथाम किया गया कि अनायास लोग बाहर ना निकले। काफ़ी लोग देखा गया जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसे लोग भी चले जा रहे हैं, उनको रोका गया, उन्हें बताया गया कि उल्लंघन ना करें, उल्लंघन है, उनसे कार्रवाइयाँ भी की गई, उनसे जुर्माने भी लगाए गए। साथ ही साथ कुछ दुकानों को देखा गया कि दुकानों में ज़्यादा लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी 180 की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों के खिलाफ धारा 3 के तहत महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत भी कार्रवाई की गई है। आगे भी ये लगातार हमारा प्रयास करने का कार्रवाई जारी है।